प्रखंड ठाकुर गगंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंजरा डीह में 2012 से पैक्स खुलने के बाद किसानों को लाभ लेने से वंचित रहना पड़ा। प्रखंड ठाकुर गगंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंजरा डीह में नंदकिशोर साहा के नाम पर पैक्स 2012 से ही चल रहा है, लेकिन पंचायत के लोगों को आज तक भनक तक लगने नहीं दी गई। नंदकिशोर साहा एक बहुत बड़ा बनिया है जो किसानों के साथ धोखा देकर 9 साल से पैक्स चला रहा है। किसानों को कुछ भी मालूम नहीं, गोला के नाम पर सबसे सस्ते दाम पर खरीदे धान हजारों हजार ट्रक करीब 20 गांव किसानों का धान खरीदता रहा। 9 साल तक किसानों के साथ धोखाधड़ी का काम किया। कई गांवों के किसानों ने मालूम ही नहीं पैक्स खुला है, विभाग को भी मालूम नहीं। झारखंड में ऐसे ही घोटालों का पहला राज्य है। कोयला घोटाले, गरीबों का राशन अनाज चारा घोटाला उजागर होता रहा, लेकिन कार्रवाई करने से आला अधिकारी परहेज करते रहे। मीडिया में बार बार आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, लेन देन करके सारा घोटाला रफा दफा हो जाता है। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों के लिए झारखंड सरकार तरह तरह के विकास योजना बना रही है, फिर भी विकास रुक ही जाता है। रिपोर्टर राजकुमार किशोर। पंजराडी में पैक्स जो चल रहा है, आप लोग सरकारी रेट पर कभी धान बेचे या किसी तरह पैक्स से आप लोगों को मिला जानकारी? नहीं, नहीं बेचे। आज तक भी नहीं मिला? नहीं, कभी एक छूट की किसी तरह सरकार के लाभ से पैक्स के माध्यम से? पहले पैक्स आप जानते हैं कि यहाँ है आपके गांव में? नहीं। आप किस गांव के हैं? हम पंजराडी के हैं। पंजराडी लोगों को भी नहीं मालूम है कि यहाँ पैक्स चल रही है, और 1913 तक ही स्टार्ट है यहाँ पैक्स। कितनी किस तरह से किसानों के साथ छला किया जा रहा है, यहाँ तक भी सरकारी लाभ किसी तरह किसानों के नाम पर छल किया जा रहा है। आप लोग कहाँ के हैं जरा से बता? पंजराडी का। कभी पैक्स में धान गया? नहीं गया। या किसी तरह पैक्स के माध्यम से कुछ मिला? आप लोग कहाँ के हैं? कुछ नहीं मिला। आप पैक्स के विषय में जानते हैं क्या? आपके गांव में पैक्स भी, आपके पंचायत में पैक्स में? आपका घर कहाँ हुआ? आपका घर लोगों को पंजराडी का भी लोगों को नहीं, भन्नक तक नहीं मालूम है कि यहाँ का पैक्स है। और आए से मोटा मोटी 10-12 साल से यहाँ पैक्स चल रहा है, और सरकारी कहवा कभी नहीं मालूम है। आपको मालूम है कभी गया? कौन जी? क्या दिक्कत है आपको माता जी? अपना घर नहीं चल रही। नहीं? अच्छा, तो कभी शिकायत किए? आपका घर? नाम? प्रेम देवी। आप कभी लिखित बयान दिए कभी ब्लॉक में या मुखिया जी को? कितना बार दिया? अच्छा, आज तक कोई किसी ने नहीं सुनी? नहीं। देखिए, एक वृद्ध भी आए हैं, उसी घर की दिक्कत होती है, और वो कितनों बार लिख के देते हैं, फिर भी इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना मुखिया कभी कई बार दिया गया है। आप सर कृषि विभाग में रह चुके हैं, फील्ड ऑफिसर सर, आप पैक्स से पंजराडी के पैक्स विषय में कुछ जानकारी है कि ना, आप बताएंगे सर? पंजराडी पैक्स का 9 तारीख को आम सभा हुआ है नामांकन के लिए, और 20 तारीख को उसका चुनाव निर्धारित है। इसके पहले पैक्स चल रहे थे किसके नाम से था, इसकी जानकारी है कि नहीं? कितना दिन से यह पैक्स चल रहे थे सर, इसकी जानकारी? पैक्स तो यहाँ है कृषि विभाग बहुत पहले से है, लेकिन उतना कार्यशील नहीं है। नहीं, ये तो हजारों हजार कुंटल खरीदते थे साल भर में और मार्केट में बेच लेते थे किसानों के नाम पर, ये हजारों कुंटल भेज रहे हैं, आज तक भी भेज रहे हैं सर? जैसे पिछले 3-4 साल से जान रहे हैं धान खरीदारी का, कोई भी इसको अभी तक नहीं मिला। किसी तरह इसको लाभ सरकारी तरफ से भेजा गया था जैसे, इसकी जानकारी है कि नहीं? हम पिछले 3-4 साल का बता सकते हैं कि पिछले 3-4 साल से ऐसा कुछ नहीं मिला है। इसके पहले का अधिकारी के पास नहीं है।